कैंसिल करेगा। उसमें आप उत्तीर्ण भी हुए हैं और आपको, चलिए बहुत ही खुशी की बात है। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। और कैसा आपका इस परीक्षा के बारे में कैसा अनुभव रहा, जो परीक्षा आपने दिया उसमें? अच्छा, काफी अच्छा हुआ, गाड़ी भी अच्छी हुई, वीडियो कैमरा पूरा घूम रहा था। अच्छा, परशुराम गिरी हाई स्कूल में सेंटर आपका था। अच्छा बहुत ही बढ़िया, तो एकदम बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि आप इसके माध्यम से बहुत ही बेहतर आपका भविष्य हो, और किसी भी प्रकार की यदि आपको सहायता की या कोई भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो आप बिल्कुल कभी भी आके हम लोगों से मिलिए समिति में, जो संभव होगा आपको हम सहायता जरूर उपलब्ध कराएंगे। हाँ बताइए। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ जो आपका वेरिफिकेशन होगा उसको भी मांगा जाएगा, तो और बहुत बहुत पुनः बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, आइएगा तो बिल्कुल। आनंद किशोर ने बिहार टॉपर से बात किया था और यहाँ पे आज जो है टॉपर लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा टॉपर लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी का टॉपर लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दे क्योंकि रिजल्ट आपका जारी होने जा रहा है। टॉपर लिस्ट जारी हो गया है, पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कैसे आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स में कितना नंबर लाने पे आपको टॉपर मिला है। ठीक है, 471 मार्क्स पे बिहार टॉपर यहाँ पे बन चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पे बड़ी अपडेट दी जा रही है। सबसे पहले अभिषेक ट्यूटोरियल पर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। आपको बता दें कि सभी टॉपर्स को पटना जो है पहले से ही बुलाया गया है। जो टॉपर जो है सभी को पहले ही मैसेज दे दिया गया था कि आपको टॉपर को पटना पहुंचना है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दो और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपको बता दें कि इस बार जो टॉपर हुए हैं बिहार बोर्ड टॉपर, ठीक है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स में सभी के अलग अलग टॉपर्स हैं और 471 मार्क्स के साथ यहाँ पे साइंस टॉपर यहाँ पे जो है उनका 471 मार्क्स आया है। 500 में 471 मार्क्स पे साइंस टॉपर बन गए हैं। आपको बता दें कि आर्ट्स टॉपर और कॉमर्स टॉपर की बात की जाए तो आर्ट्स टॉपर जो हैं वो उनके मार्क्स जो हैं वो इस बार 468 नंबर पे उन्होंने आर्ट्स टॉपर किया है, यानी कि 500 में 468 मार्क्स इन्हें आर्ट्स टॉपर का आया है। कॉमर्स की बात कर ले तो जो कॉमर्स टॉपर हैं उनके मार्क्स भी यहाँ पे 470 मार्क्स है, 470 मार्क्स लाकर यहाँ पे बिहार बोर्ड ने कॉमर्स टॉपर बन गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के मार्क्स जो है 90% से ऊपर हैं, किसी के 94 तो किसी के 95% पे आपके बिहार बोर्ड के टॉपर बने हैं। बिहार बोर्ड इंटर या मैट्रिक का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको www.biharhai.in पे आना है। जैसे ही आएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपको नीचे की ओर जाना है जहाँ पे आपको 10th और 12th जो है दोनों का लिंक यहां पे दिया गया है कि किस लिंक पे क्लिक करके आप कैसे आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। 10th का लिखिए यहां पे बताया गया है और उसके नीचे जाएंगे तो आपको 12th का मिलेगा और 12th का ही बताया गया है कि आपको रिजल्ट जो है वो कैसे डाउनलोड करना है, कहां पे आपको रोल कोड डालना है, रोल नंबर डालना है, ठीक है, उसके बाद टोटल डालना है, कैप्चा कोड डालकर अपना रिजल्ट जो है वो आपको क्लिक करना है, जिसका लिंक एक्टिव यहाँ पे लगा दिया गया है और आपको रिजल्ट का डेट आते ही आराम से आप यहाँ पे रिजल्ट चेक कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको बता दें कि 90% मार्क्स वाले भी छात्र जो है बहुत ज़्यादा इस बार बिहार बोर्ड में है। रिजल्ट जो है 80% के पार चला गया है। पिछले साल रिजल्ट जो है 78 समथिंग रहा था, उससे पहले 84-80 भी गया था, लेकिन इस बार जो है 80% रिजल्ट चला गया, जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट है। बिहार बोर्ड का इंटर का फाइनली रिजल्ट यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। सभी टॉपर्स को जो है पटना ऑफिस जो है पहुंचने के लिए बोला गया और सभी को वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि रिजल्ट जो है फाइनली आप कब चेक कर सकते हैं, रिजल्ट के लिए भी यहाँ पे अब देर खत्म हो गया है। रिजल्ट जो है आपका बहुत जल्द यहाँ पे आप लोग को जारी करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड। आपको बता दें कि जो भी साइंस आर्ट्स और कॉमर्स में टॉपर है, ठीक है, उन सभी को बिहार बोर्ड 1,00,000 रुपये से सम्मानित करेगी और उन्हें एक लैपटॉप भी दिया जाएगा। 1,00,000 रुपये के साथ एक लैपटॉप भी उन्हें बिहार बोर्ड गिफ्ट करेगी। अभी जो है टॉपर वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। आज से आपका टॉपर वेरिफिकेशन जो है पटना में शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज जो है सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो आप बहुत सारे जो मेन टॉपर हैं वो आपके पटना हेड ऑफिस जो है आज पहुंचेंगे। आज उनका वेरिफिकेशन भी आनंद किशोर जी के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कुछ जिले के कॉपियाँ जो है
वो पेंडिंग हो गई थी। बाद में रिपोर्ट आई कि एक जिले का कुछ कॉपियां जो है वो पेंडिंग पाई गई है, तो उसे जो है फिर से जांच करके बिहार बोर्ड ऑफिस भेज दिया गया है। ठीक है, तो उसकी घबराने की जरूरत नहीं है। जो एक जिले की कॉपी पेंडिंग आ गई थी उसे जांच करके बिहार बोर्ड पुनः भेज दिया गया है। ठीक है, पेंडिंग कॉपी था, उसमें कोई टॉपर नहीं है। पेंडिंग कॉपी में टॉपर जो है पहले बिहार बोर्ड ने यहाँ पे जारी कर दिया है, और यही टॉपर जो है 471 मार्क्स के साथ साइंस में, ठीक है, और 468 के आर्ट्स, और 470 के साथ आपका कॉमर्स टॉपर बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। जिले की बात करें कि कौन से जिले से ये सभी टॉपर्स हैं, तो आपको बता दें कि जिला का नाम यहाँ पे फिलहाल गुप्त रखा गया है, कि और छात्र का नाम भी गुप्त रखा गया है। सिर्फ मार्क्स यहाँ पे जारी कर दिया गया है, कितने मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, और ये भी खबर जो है आपको सूत्रों के हवाले से दिया जा रहा है। ठीक है, जो भी मेरे पास जो है जो गुप्त सूचना आ रही है, मैं सभी आपको वीडियो के थ्रू आप लोग को अवगत करा रहा हूँ, और यही जो वीडियो है, ठीक है, यही न्यूज़पेपर में आपको कल परसों में भी आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा कि साइंस टॉपर, आर्ट्स टॉपर, कॉमर्स टॉपर की इतने मार्क्स से बिहार बोर्ड जो है वो जारी करने जा रही है। रिजल्ट जैसे ही जारी होगा सबका यहाँ पे नेम के साथ, जिला के साथ जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक नेम इशू नहीं किया जा रहा है। कारण ये है कि जब तक टॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा, बिहार बोर्ड पा नहीं लेगी कि यही टॉपर है, तब तक वो नाम जो है वो डिक्लेयर नहीं करेगी, ना ही जिला का नाम डिक्लेयर करेगी। फिलहाल यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे फाइनल हो गया है कि 471 मार्क्स लाकर बिहार बोर्ड में टॉपर बन गया है, तो रिजल्ट देने जा रहा है। अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट डिविजन लाया है तो आपको बता दें कि 25,000 रुपए की राशि इंटर वाले छात्रों को दे रही है बिहार बोर्ड, और वहीं अगर मैट्रिक में आप फर्स्ट डिविजन है तो आपको 10,000 रुपए की राशि बिहार बोर्ड दे रही है। और यही नहीं, अगर आप सेकेंड डिवीजन भी पहुंच चुके हैं इंटर में, तो सेकेंड डिवीजन वालों को भी निराश नहीं किया जाएगा, और सेकेंड डिवीजन को भी यहां पे 10,000 रुपए की राशि बिहार बोर्ड देने जा रही है। पूरी जानकारी यहां पे देखिएगा कि आपका रिजल्ट तो तैयार कर लिया गया है, और यहां पे आपको टॉपर का वेरिफिकेशन भी यहां पे स्टार्ट किया गया है। तो बता दें कि रिजल्ट की तारीख जो है वो यहां पे घोषित कर दी गई है कि फाइनली यहां पे इंटर का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा और मैट्रिक का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। और यही नहीं, जो छात्र यहाँ पे सेकेंड डिवीजन का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा और मैट्रिक का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। और यही नहीं, जो छात्र यहाँ पे सेकेंड डिवीजन से पर पहुंच रहे थे या थोड़े बहुत मार्क रहे थे, उनको फर्स्ट डिवीजन जो है बिहार बोर्ड ने कर दिया है। इससे पहले जो है रिजल्ट जारी करने को लेकर बिहार बोर्ड मीटिंग करती है, जो कि मीटिंग में फाइनल फैसला लिया गया है अनंत किशोर और शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो आइए जानते हैं क्या फैसला हुआ है। ठीक है, और आपको बता दें कि रिजल्ट जो है वो आपका अब बहुत जल्द 14 मार्क्स से 15 मार्च तक रिजल्ट जो है इंटर का फाइनली यहां पे जारी होने जा रहा है, ऐसा बिहार बोर्ड का कहना है। लेकिन फिर भी कुछ छात्रों को अगर शिकायत रह जाती है तो उसे स्क्रूटनी की व्यवस्था दी जाएगी, और जिनका एग्जाम छूट गया है एक या दो पेपर, वो कंपार्टमेंट का एग्जाम में बैठ पाएंगे और कंपार्टमेंट के तहत उन्हें पास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बिहार बोर्ड 17 मार्च से पहले किसी वक्त आपका रिजल्ट जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी कर सकती है। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें।